शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैसे धमाका? हमला हुआ है दाऊजू। हमला हुआ? महाराज के प्राण संकट में है दादाजू। हम हाथ पर हाथ ले नहीं बैठ सकते। आप हमें आदेश दीजिए। अंधाधुन गोलाबारी हो रही है दुर्मंगल। गोला तो ऐसे दाग रहे हैं जैसे आसमान को भी भेद देंगे। ऐसे में क्या सुरक्षित निकल पाओगे तुम? लेकिन ये शेर अफगान की चाल भी तो हो सकती है। हमें यहाँ उलझा कर कहीं उन्होंने दाऊजू को अपना निशाना बना लिया तो दुर्मंगल, मेरे छत्ता को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम निकलो यहाँ से। जय माविन देवासुनी। बल्दीवान जी भैया, हम ऊपर चलते हैं। साल 1683। छत्रसाल प्राणनाथ जी के पीछे पीछे बहुत दूर मऊ सहानिया तक चले गए थे, जहां वो अपने सुंदर साथ के साथ सत्संग कर रहे थे। श्री प्राणनाथ जी की वाणी सुनकर छत्रसाल को अब बहुत हद तक ये यकीन आ चुका था कि यही वो आवाज है जिसे सुनने के लिए बरसों से उनके कान तरसे हैं। मगर मन के किसी कोने में पड़ा अविश्वास अभी भी उनको जकड़े हुए था। उधर पन्ना में उनकी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर शेर अफगान ने अपनी जानलेवा तोपों का मुंह उनके महल की ओर मोड़ दिया। तोप के गोले किसी ज्वालामुखी के लावे के समान महल की दीवारों को पिघलाने लगे थे। बुंदेलखंड के सबसे सुरक्षित स्थान की दीवारें भी मुगलिया जलजले से थर्रा उठी थी। एक ओर महामिलन की बेला थी तो दूसरी ओर महाविनाश की घड़ी। थोड़ी देर के लिए वक्त का कांटा जैसे कुछ थम सा गया था। लौकिक कामनाओं से रहित चिर अविनाशी स्वरूप वाले आनंद से परिपूर्ण पूर्णतिपूर्ण अजर अनंत अनादि और सदैव युवा रहने वाले उस पार ब्रह्म को जानने वाला मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है, मेरा उनसे क्या संबंध है, उनको पाने का वास्तविक मार्ग क्या है, तारतम ज्ञान के अक्षय प्रकाश में
इन सभी प्रश्नों का समाधान स्वयं हो जाता है। साथ ही आत्म जागृति के उस शिखर पर ऊंच नीच, जाति पाति, धर्मों का आपसी विरोध भी स्वयं समाप्त हो जाता है। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। छत्ता, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर उस पर चलने वाले को ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तुम्हारा मार्ग भी सरल नहीं है छत्रसाल, पर अपने साहस, शौर्य और बुद्धिमत्ता से तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा, और धीरे धीरे जितने भी लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं वे सभी तुम्हारे साथ हो जाएंगे, और लक्ष्य प्राप्ति के इस मार्ग पर तुम सदैव मुझे अपने साथ ही पाओगे। छत्ता, ओ छत्ता, राम राम बाबा जो, राम राम। आगे आओ। आगे आओ। और आगे आओ। आज तो शिकारी खुद फंदे में फंस गया, और फंदा भी कैसा, जिससे वो कभी निकलना भी नहीं चाहेगा। क्षमा कीजिए बाबूजी, लेकिन इस संसार में ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं जो हमें फंदे में डाल सके। ऐसा तो उस परम शक्ति से ही संभव है जिसकी कृपा से हमें ये सिक्का प्राप्त हुआ। जब से हमने ये सिक्का धारण किया है, इसने हमें हर सांसारिक फंदे में फंसने से बचाया है। हमें उन्हीं बुद्ध निष्कलंक की तलाश है। तो समझ लो, आज तुम्हारी खोज समाप्त हुई मेरे प्यारे छत्ता। लो, ढूंढ लो अपना सिक्का। और सावधानी से इनका मिलान कर लो।
हमें क्षमा कर दीजिए प्रहलाद जी, हमें क्षमा कर दीजिए। आज तुम्हारा 12 वर्ष का ज्ञातवास समाप्त हो गया। स्वयं को जानने की तुम्हारी यात्रा आज से आरंभ होती है चत्ता। हमें क्षमा कर दीजिए प्रहलाद जी, क्षमा कर दीजिए। बारह साल से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जब आज आप हमारे समक्ष पधारे, हम आपको ही नहीं पहचान सके। हृदय में विराजमान हूं उसी प्रकार तुम भी मेरे हृदय में वास करते हो चंदा। तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार। आखिर छत्रसाल ने उस ज्योति को पा लिया था जो अब तक उनका मार्गदर्शन करती आई थी। प्राणनाथ जी को अपने सीने से लगाकर छत्रसाल को ऐसे लगा जैसे उनकी छाती पे रखा बोझ उतर गया हो। आज शायद उनको बहुत हल्का महसूस हो रहा था। प्राणनाथ जी को गले लगाते हुए छत्रसाल को ऐसा महसूस हुआ मानो सारा ब्रह्मांड उनकी बाहों में सिमट आया हो। एक गुरु के एक शिष्य से मिलने की ये दुर्लभ घटना थी। सारा गांव उनके इस मधुर मिलन की घड़ी का साक्षी था। सदा मेरे अनन्य हो। बोलो प्यारे प्राणनाथ की जय। प्यारे प्राणनाथ की जय। प्यारे प्राणनाथ की जय। छत्ता, तुम्हारे कंधों पर धर्म की रक्षा का उत्तरदायित्व भी है। तुम्हें हमारे धर्म और राष्ट्र को आतताइयों के अत्याचार से मुक्त करवाना है। जानते हैं प्राणनाथ जी, लेकिन इतनी बड़ी मुगल सेना के सामने अपनी छोटी सी सेना के साथ कब तक लड़ते रहेंगे? ये चिंता हमारे मन में अवश्य रहती है। जब तक तुम्हारा ईमान पक्का है, तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है, विजय तुम्हारी होगी। हम स्वयं को आपके विश्वास के योग्य जरूर साबित करेंगे। दाऊजू, दाऊजू वो लेकिन ये कीमती वक्त ज्यादा देर तक ठहर ना सका। एक तरफ अपने गुरु से मिलने का अप्रतिम उल्लास और दूसरी ओर क्षत्रिय कर्तव्य का बुलावा। छत्रसाल भारी मन के साथ प्राणनाथ जी का अक्षय आशीर्वाद और मन में मुगलों को धूल में मिला देने का प्रण लेकर पन्ना की ओर निकल पड़े। वैद्य जी कहाँ हुआ? वैद्य जी, हमें बारूद चाहिए। कहाँ है वैद्य जी? बारूद चाहिए हमें अभी। वैद्य जी तो यहाँ नहीं है दादाजू, और बारूद कक्ष है, सारा बारूद गायब है। बारूद गायब है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी विकट स्थिति में वो कहां चले गए? और वो भी बारूद लेकर हमारे साथ गद्दार है। दादाजू, बहेलियों का सरदार भी ऐसी स्थिति में अपने परिंदों के साथ कहीं गायब हो गया है। ये हो क्या रहा है भाईजू? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। कहीं हमारे अपने लोग ही तो नहीं बदल गए? अगर ऐसा हुआ है ना भाईजू, तो इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि हमारा छत्ता संकट में है।
असंभव है बल्दीवान, वो दोनों हमारे विश्वसनीय साथी हैं, हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हमें भी ऐसा ही लगता है भाईजू, परंतु अगर उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की ना तो ईश्वर सौगंध खाकर कहते हैं भाईजू, उन दोनों का गला काट कर किले के स्तंभ पर लटका देंगे हम। हुजूर, अभी अभी खबर मिली कि बैली और वैद्य दुर्मंगजू के कहने पर यहाँ से उनके साथ गए। क्या? हाँ हुजूर। लेकिन दुर्मंगज तो छत्ता के पास गया था। इसका मतलब इसके पीछे हमारे छत्ता की ही कोई योजना है। योजना? ये कैसी योजना है जिसमें हम शामिल नहीं है? क्या उसे नहीं पता सबको साथ लेके चलने से काम आसान हो जाता है? भाईजू, वो देखिए, वहां वहां पर हमारे हुनरदारों का कुछ खास कारनामा चल रहा है। हमारे ऊपर क्या गिरा रहे हैं ये परिंदे? क्या हो क्या रहा है? ये लगता है बुंदेलखंड के परिंदे मुगलों के साथ बगावत पर उतर आए हैं। शेर खान, धनुर्धारी सैनिकों, तुरंत अग्निबाण तैयार करो। या अल्लाह, ये तो बारूद है, ये इनकी बहुत बड़ी चाल है, और ये परिंदों की सेना। साथियों, एक साथ सब अग्नि बाणों का संधान करेंगे। आक्रमण! आक्रमण! युद्ध के मैदान में संख्या का महत्व उतना नहीं होता जितना कि कुशल रणनीति, सटीक योजना और उससे भी अधिक सटीकतम क्रियान्वयन का होता है। मुगल सेना गिनती में बुंदेलों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन छत्रसाल ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से उसे पटखनी दे दी। बुंदेलखंड में चारों ओर छत्रसाल के नाम की जय जयकार हो रही थी। ये अपनी तरह की पहली विजय थी जिसमें छत्रसाल ने अपने गढ़ में घुस आए घुसपैठियों को आमने सामने की जंग में मात दे दी थी। छत्रसाल का हौसला सातवें आसमान को छू रहा था। उन्होंने अपनी इस जबरदस्त जीत का पूरा श्रेय श्री प्राणनाथ जी और उनके आशीष को दिया। इसी के साथ उन्होंने प्राणनाथ जी को अपने महल में लाने का संकल्प किया। उन्होंने पूरे बुंदेलखंड के निवासियों को अपना घर फूलों से सजाने के लिए कहा और श्री प्राणनाथ जी का भव्य स्वागत करने की तैयारी को कहा। शायद अब बुंदेलखंड के भाग्य का पहिया सही दिशा में घूमना शुरू हो गया था। वीर छत्रसाल की जय! वीर छत्रसाल की जय! वीर छत्रसाल की जय! शेर अफगान के खिलाफ हमारी जीत वैजू और सरदार पहिलिया के बिना संभव नहीं थी, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें भी वही सम्मान वही आदर दिया जाए जो युद्ध से जीत कर लौटने वाले एक योद्धा को मिलता है।
बैजू और सरदार बहेलिया की जय। बैजू और सरदार बहेलिया की जय। बैजू और सरदार बहेलिया की जय। क्षमा चाहते हैं वैजी, क्षमा चाहते हैं सरदार मित्र। क्रोध में आने के कारण हमने कसम खाली थी कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की तो आप दोनों का सर काट कर किले के स्तंभ पर लटका देंगे। अरे आप अब भयभीत क्यों हो रहे हैं? आपने तो यह साबित कर दिया है कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं। मैं भयभीत नहीं हो रहा, बस कल्पना कर रहा हूं कि मेरा कटा हुआ सर उस स्तंभ पर कैसा लगेगा। आपको खबर देने का हमें समय ही नहीं मिला, जैसे ही संदेश आया हम निकल पड़े। कोई बात नहीं मित्र, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। एक पल के लिए तो हमारा मन बैठ सा गया था कि इस बार हमारी हार निश्चित है। चिंतित तो हम भी हो गए थे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि छत्ता तुम इस तरह की योजना लेकर आओगे। हाँ छत्ता, इस तरह की योजनाएं तुम्हारे मन में कहां से आती हैं? श्री प्राणनाथ जी के दिव्य आशीर्वाद के कारण। सच में शेर अफगान के आने से हम भी चिंतित हो गए थे, और जैसे ही श्री प्राणनाथ जी ने अपना हाथ हमारे सर पर रखा हमारी सारी बेचैनी दूर हो गई। जब हम उनके साथ ध्यान में बैठे थे हमारे मन की ऐसी इंद्रियां जागृत हुई जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। एक अद्भुत सा एहसास महसूस हुआ उनकी उपस्थिति में। मतलब देवकरण जी ने जो भी कहा वो सब सच है? श्री प्राणनाथ जी तो ज्ञान का सागर है जिनका केवल हमने बूंद मात्र का अनुभव किया है। स्वामी प्राणनाथ जी पधार रहे हैं। आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। जी। प्यारे प्राणनाथ की जय। प्यारे प्राणनाथ की जय। प्यारे प्राणनाथ की जय। प्यारे प्राणनाथ की जय। कोई इश्क समान, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। ओ एक तेरे इश्क बिना, एक सब आईया दुख गया सब दूर। आखिरकार वो दिन आ गया जब महामती श्री प्राणनाथ जी का पन्ना आगमन हुआ। छत्रसाल खुद उनकी पालकी को कंधा देकर महल में लाए। यही तो हमारी भारतीय परंपरा हमें सिखाती है कि गुरु का आदर स्वयं के मान से सदैव ऊपर होता है। छत्रसाल ने तो सिर्फ उनकी पालकी उठाई थी, बदले में प्राणनाथ जी ने तो उनके सारे दुख, सारी चिंता, सारे कष्टों को अपने कंधे पर उठा लिया था। ये क्या कर रहे हो छत्ता? जो बुंदेली शीश आज तक मुगलों के समक्ष नहीं झुका वो एक आम स्वामी के सामने? ये कोई आम व्यक्ति नहीं, स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, शिव संकादिक आदि किंचित शेष न पावे पारे। अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पछिहारे। जानी के मूल धन अंगना अपनी, सो घर आए हमारे।
प्राणनाथ जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा सेवा का मनोरथ अवश्य पूरा करेंगे। क्या आप वरदान नहीं देंगे कि मैं भी इस सेवा में शामिल हो पाऊं? छत्रसाल ने उनके सम्मान में अपनी पगड़ी बिछाकर कालीन यानी बिछावन बिछाया। जब आप अपने गुरु के समक्ष अपनी पगड़ी यानी अभिमान को चढ़ा देते हैं, तो हम अपने आप को पूरी तरह उन्हें समर्पित कर देते हैं, क्योंकि बिना संपूर्ण समर्पण के गुरु आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकते। श्री प्राणनाथ जी के कदम पड़ते ही सारा महल दिव्य स्पंदनों से भर गया था। एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था सभी के शरीरों में। सब में उनका स्वागत करने की होड़ लग गई थी। एक और बड़ी प्यारी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगी। छोटी रानी यानी सुशीला प्राणनाथ जी का स्वागत स्वयं अपना दुशाला बिछा के करना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, छत्रसाल ने तुरंत ही अपनी पगड़ी खोलकर बिछा दी, मगर उनकी पगड़ी छोटी पड़ गई। ये देख के छत्रसाल को बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए प्राणनाथ जी ने छोटी रानी को इशारा किया कि अब वो अपना दुशाला बिछा सकती है। छोटी रानी इस आदेश को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके दुशाला बिछाने के बाद ही स्वागत कार्यक्रम पूर्ण हो सका। ये छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि प्राणनाथ जी स्त्री और पुरुष सभी को समान अधिकार और सम्मान देने के पक्षधर थे, जिसकी लड़ाई आज तक जारी है। Thank you.
श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर राज शुभ नाम तेज कुवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। धामधनी की मेहर से सजा हुआ राजमुकुट है, इसे आदर पूर्वक अपने शीश पर धारण करो। अब ये केवल तुम्हारी पगड़ी नहीं रही, तुम्हारा राजमुकुट है। आज से तुम बुंदेलखंड के राजा हो। देखो कितनी शोभा दे रहा है यह राजमुकुट तुम्हारे सर पर। धर्मवीर महाराज छत्रसाल की जय। बोलो महाराज श्री छत्रसाल की जय। धर्मवीर महाराज छत्रसाल की। धर्मवीर महाराज छत्रसाल की। बोलो महाराज श्री छत्रसाल की। राणा जी, आज से मेरे मन में कोई अहंकार ना रहे, यही आपके स्वागत में मेरा सच्चा टीका है। आपके चरणों में मेरा पावड़ा और न्योछावर है। मैं आपका छत्ता, आपके चरणों में बार बार बलिहारी हूं। मैं राजा नहीं, राजा तो हमेशा आप ही रहेंगे। मैं केवल आपका दीवान हूं और दीवान बनकर इस प्रजा की रक्षा करना चाहता हूं। तुम्हारा स्थान सदैव से मेरे हृदय में रहा है चित्त। आपका स्नेह, आपकी मेहर बुंदेली जमीन पर बरस रही है और इससे हम सब धन्य हैं। लेकिन युद्धों का ये दुखद सिलसिला कब समाप्त होगा? क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? जन कल्याण का उपाय मैं कब और कैसे करूंगा? तुम्हारी आध्यात्मिक साधना की उत्सुकता को मैं समझता हूं चित्ता। सुख दुख के उतार चढ़ाव को आध्यात्मिक उन्नति का अवसर ही समझो। और रही बात तुम्हारे दुखी होने की, तो आत्मस्वरूप की विस्मृति ही दुख का मूल कारण होता है। परमात्मा कभी दुख नहीं देते, वे तो अखंड सुख के सागर है। दुख मन की उपज है, आत्मा की नहीं। स्वामी जी, दुख में सुख का अनुभव करने की सद्बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आत्मज्ञान, हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। प्रेम की यह अवस्था भयमुक्त होती है और यही
सुख की चाबी है। हे प्राणनाथ, आपके इस ज्ञान अमृत को पाकर हमें परम शांति का अनुभव हुआ है। आपकी छत्र छाया में हम लौकिक कर्तव्यों के साथ साथ आत्मोन्नति का उपाय भी करते रहेंगे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। दुनिया